गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों हमने क्लास रेकिंग का इंग्लिश फर्स्ट का थर्ड चैप्टर उसके वर्ड्स मीनिंग ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए थे आइए अब कुछ बुक्स में और है एक्सरसाइज जो हम करते हैं तो बच्चों आज डेट क्या है ट्वेंटी टू मे और डे आज फ्राइडे तो बच्चों बी वाला देखिए ड्रॉ अ लाइन टू मैच द अपोजिट वर्ड्स द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं जिनको आपको मैच करने हैं तो पहला वाला आपका ऑलरेडी हो रहा है चीट का हो गया फेथफुल पुल का हो गया पुश लाफ का हो गया क्राई दैन सोल्ड का हो गया बॉट डिफ्रेंट का हो गया सेम ऐसे ही बच्चों सी वाला देखो मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट मीनिंग इन कॉलम बी यहाँ कॉलम ए पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके करेक्ट मीनिंग कॉलम बी में है जैसे पाइस का मीनिंग हो गया रिलीजियस प्लान का मीनिंग हो गया स्कीम लेजी का मीनिंग हो गया आइडल रिटर्न का मीनिंग हो गया कम बैक एंड देन लास्ट डेविल का मीनिंग हो गया घोस्ट ठीक है बच्चों ऐसे ही आपका यहाँ देखिए इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिज एंड हर यहाँ पर आपको यहाँ जो ब्लैंक है इसमें क्या फिल करना है हिज या हर जैसे आपको पता होना चाहिए हिज और हर कहाँ यूज़ होते हैं कमला वॉज डूइंग हर होमवर्क राम एंड लव्ड हिज मदर सीता एंड हर ब्रदर व प्लेइंग इन द गार्डन कमल वॉशेज हिज क्लॉथ्स एवरी डे गीता इज वेरी ओबिडेंट टू हर टीचर्स क्लियर और यहाँ पर बच्चों देखो राइट फाइव सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ गॉड यहाँ पर मैंने फाइव सेंटेंस गॉड के यहाँ लिख दिए हैं उसके बाद देखो बच्चों मैच द नंबर्स विद देयर इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर नंबर से यहाँ नंबर नेम में आपको मैच करने हैं यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स है बेटा राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स यहाँ कुछ पिक्चर्स देख रहे हो आप सब अलग अलग आपने हेल्पर्स नेम पढ़े हैं हमने आपको समझाए थे यहाँ देखो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या लग रहा है क्या दिखाई दे रहा है फर्स्ट पिक्चर में किसान है ना तो किसान को क्या बोलते हैं फार्मर ऐसे यहाँ पर सोल्जर पॉटर कॉबलर मेसन एंड पुलिस ऑफिसर यहाँ तक बच्चों ये पेज नंबर आपका सेवनटीन है पेज नंबर सेवेंटीन पेज नंबर सेवनटीन से लेकर पेज नंबर लास्ट आपका नाइनटीन ये आज का आपका होमवर्क है जो आपको बुक में ही करना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी और बच्चों जितना आपका ये वर्क हो गया है उसके साथ के साथ आप उसे लर्न भी करते जाएँ ताकि आपके लिए आगे याद करने में आपको दिक्कत ना हो